हाँ तो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी स्टूडेंट नीट क्वालिफाई किए हैं और वे लोग क्या है रैंक में है, तो उन लोगों का एडमिशन और रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया गया है, स्टार्ट हो गया है और कब से स्टार्ट होगा उसकी भी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आपके ऑफिशियल वेबसाइट NTA पर आ गए हैं, तो क्योंकि आप लोग को रजिस्ट्रेशन NTA के थ्रू नहीं हो रहा है, आप लोग को जिस कॉलेज में आप लोग को रजिस्ट्रेशन जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप लोग को चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन खोल दिया जाएगा, उसकी भी डेट और टाइमिंग पूरी के पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आप लोग को दिखाते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, पूरी के पूरी प्रूफ दिखाऊंगा कब से आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, कब से आप लोग का चॉइस फिलिंग होगा और कब से आप लोग का एडमिशन होगा MBBS में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर नीट UG काउंसलिंग MCC की वेबसाइट पर जाकर क्या करना होगा, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग को जो वेबसाइट है किस पे जाना होगा, MCC के वेबसाइट पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आप लोगों को कब से कब तक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि MBBS रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और चॉइस फिलिंग का जो डेट है वह कब से है, तो चॉइस फिलिंग का डेट है आप लोग को 14 अक्टूबर से आप लोग को चॉइस फिलिंग होगा और आप लोग को फाइनली 22 अक्टूबर से क्या होगा, आप लोग को एडमिशन होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने डेट देख लिया, तो थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। इसमें बताया गया दोस्तों, MBBS डेंटल और नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए 15% केंद्रीय कोटे पर मंगलवार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC की ओर से नीट UG 2022 की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी, यानी कि आज से शुरू होगी। छात्र एवं छात्राएं 11 से 17 अक्टूबर तक, दोस्तों आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट है 11 से 17 अक्टूबर तक आप लोग क्या करवा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को स्टूडेंट को निर्धारित फीस का भुगतान भी करना होगा। 14 तारीख से आप लोग, यानी कि 14 अक्टूबर से आप लोग को चॉइस फिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर को चॉइस फिलिंग लॉगिंग 19 से 20 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट प्रोसेस और चयनित स्टूडेंट को 21 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को 21 तारीख से सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एडमिशन के लिए कब से कब तक टाइम दिया गया है, तो 22 से 28 अक्टूबर तक आप लोगों को एडमिशन कंफर्म करा लेना होगा कॉलेज में। तो दोस्तों, वही आप लोगों को बता देगा दस्तावेज एवं फीस के साथ सुभाष सिंह बताते हैं कि चॉइस फिलिंग के साथ लॉगिंग और ध्यानपूर्वक करना चाहिए। लॉगिंग के पहले यह तय कर ले कि जिस शहर का चुनाव आपने किया है वह आपके लिए सही है या नहीं। ये तो बात सही है कि आप लोगों को जब भी लॉगिंग करें तो आप लोग जो चॉइस फिलिंग किए वह शहर आपके लिए सही है या नहीं, तभी लॉगिंग करें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताया गया है 11 नवंबर को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, 11 नवंबर को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, ठीक है। वही आपको बता दें कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 2 नवंबर से 10 नवंबर तो होगा। दोस्तों, आप लोगों को सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब से होगा, 2 नवंबर से 10 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान स्टूडेंट को अपने मेडिकल और डेंटल कॉलेज की च्वाइस को अपनी इच्छा अनुसार पुनः भरना होगा। 8 नवंबर को च्वाइस फिलिंग लॉगिन, 9 से 10 नवंबर तक सीट अलॉटमेंट प्रोसेस एवं चयनित स्टूडेंट को 11 नवंबर को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। और एडमिशन की बात कर ले तो 12 से 18 नवंबर के बीच आप लोग को रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि कब से कब तक आप लोग का चॉइस फिलिंग करना होगा, कैसे एडमिशन लेना होगा और क्या क्या करना होगा, उसकी पूरी जानकारी मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, तो ऐसे ही अपडेट के साथ